लेकिन वो कोडेड फॉर्म में खाली बस वो उसको महिमा के रूप में दे दिया गया, जो लिखा गया था इट वॉज क्लियर, लॉट ऑफ रिसर्चर्स जो आप पढ़ना चाहेंगे उसको मिल जाएगी। सो देन इज हम इसको एजुकेशन में कैसे चेंज करेंगे, वी टीच देम न्यूटन्स लॉ टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, तो वी कैन टेल देम द लॉ ऑफ कर्मा कि व्हाट एवर यू डूइंग विल कम बैक टू यू, इफ यू आर टेकिंग समबडीज पेंसिल बॉक्स यू आर डिस्टर्बिंग हिम सो दैट विल कम बैक टू यू ऑलवेज, दिस इज टू बी टॉट इन चाइल्डहुड। वो कहते हैं ना बच्चे कि एग्जाम में मैम उसको आ नहीं आता था, 2 मार्क्स की मैंने उसको हेल्प कर दी, हेल्प करी थी वहां पे, चीटिंग नहीं कहते उसको, वो देयर नॉट रियलाइजिंग एंड नेक्स्ट पेपर व्हेन दे आर एबल टू गेट 100 मार्क्स दे आर गेटिंग 98, व्हाई आई टेल देम बिकॉज 2 मार्क्स की हेल्प आई थी ना, तो वो कट गया इसलिए, इसलिए वो रॉन्ग हुआ। कैसे रॉन्ग हुआ, नेक्स्ट पेज पे लिखते हुए वो 2 का 3 हो गया, ऐसी मिस्टेक होती है, तो व्हाई बिकॉज कर्मा इज देयर, you're not realizing then that moment is that strikes to the students, yes sir us time to lag raha tha hum help karne ki help karna to exam se pehle karo na, exam mein na mujhe help help nahi hoti, wo to aap usko piche kar rahe ho and you have to pay for it and at that moment you have to pay when it is required most, jab aapke 100 aa sakte the aap 98 par aayenge, why because of the karma. Similarly we tell them how to make the balance sheet of daily balance sheet, but I will have you ever told them how to make the balance sheet of life, ki raat ko sone se pehle and before waking up or at the after waking up in the morning just remember God and thanks God for this great life. But what we do before sleeping, mobile screen, WhatsApp, and at the morning also what we see, mobile ki battery kitni charge hai, apni battery charge hai ya nahi uska nahi, battery charge honi chahiye, that is important, that's why things are changing. इसीलिए जो कह रहे थे ना कि टीचर चलाते से क्लास में, हमारे टाइम में तो टीचर्स बोलते थे एक बार में वी यूज्ड टू लिसन, वी नेवर क्वेश्चन इट, व्हाई इट इज हैपनिंग नाउ दे, इफ यू सी समबडी, इफ यू सी सम स्टूडेंट्स इन योर मार्केट एंड अगर आप वहां से देख रहे हैं तो आप देखिए वो साइड से निकल रहे हैं कि देख ना रहे मुझे, अब पहले हमारे टाइम में करता था, हमें कोई टीचर मिलता था उनके पैर छूते थे, सो देट वी हैव ब्लेसिंग्स, सर जनरेशन चेंज हो गई, आज की जनरेशन कहाँ पता है, बट समथिंग एल्स इज ऑल्सो चेंज, दे आर नॉट गेटिंग दैट एनर्जी। आप देखो आई हैव आस्क्ड दिस क्वेश्चन विद मेनी टीचर्स इन एनी वर्कशॉप, आई एम नॉट गेटिंग द करेक्ट आंसर, दैट इज कि आप 12th 11th अपने स्कूल में बच्चों से पूछे देखो व्हाट दे वांट टू बिकम, आई टेल यू नोबडी विल से आई वांट टू बिकम अ टीचर, व्हाई दैट्स आरएनी, दैट मींस दे आर नॉट सीइंग यू एज एन आइडल, दैट्स इंपॉर्टेंट, यू विल नॉट बिकम देयर आइडल, दैट मींस यू आर नॉट डूइंग दैट थिंग, दैट थिंग्स आई यूज्ड टू रिमेंबर 28 ईयर्स के बाद आफ्टर माय स्कूल टाइम वी हैव एलुमनी मीटिंग, हमारे स्कूल की नई एलुमनी मीटिंग, और उसमें हमने अपने सारे स्कूल टीचर्स जो उस टाइम के थे कॉन्टेक्ट सिंह आके सबको बुलाया, देन आई आस्क्ड द सेम क्वेश्चन विद माय स्कूल टीचर, दैट वाज यू नो दैट 9th स्टैंडर्ड जो हमारे क्लास टीचर थे, मैंने सर से पूछा सर हमारे टाइम में तो मोटी स्टिक भी होती थी और इतने बच्चों को आज के डेट में डांट भी नहीं सकते, तब तो इतने मार पड़ती थी बच्चों को, और कैसे आप करते थे मैनेज, कैसे करते थे, कहते जो हम मारते थे ना आज के टीचर में वो बात नहीं है, हम दिल से नहीं मारते थे, हम उनको ठीक करने के लिए मारते थे, और यहाँ पे टीचर्स इतने परेशान हो चुके हैं वो अपनी अपने निकालते गुस्सा निकालते हैं उनके ऊपर कि तंग कर रखा है इसने, कुछ काम नहीं करता है, ये है वो है, कहते वो उस एनर्जी का फर्क है, वो एनर्जी नहीं है हमारी, कितना भी हो हमारे बच्चों के लिए एनर्जी पॉजिटिव होती थी, इसलिए वो कितना भी मार खा लें फिर भी वो क्लास में आराम से बैठते थे सुनते थे, ये नहीं कि हम क्लास ही नहीं जाएंगे उनकी, ऐसा नहीं होता था, सो वो बॉन्ड नहीं है, वो रिलेशन नहीं है, वी आर थिंकिंग कि स्टूडेंट्स आर नॉट डूइंग, पेरेंट्स आर नॉट सपोर्टिंग, बट समथिंग एल्स इज मिसिंग, वहां पे हमारा ध्यान ही नहीं जा रहा है, यू सी इफ यू आर नॉट कमिंग इन क्लास एंड यू आर एक्सपेक्टिंग कि स्टूडेंट्स बच्चे होमवर्क टाइम से कर लेंगे, इट विल नॉट हैपन, यू आर कमिंग लेट, इट विल नॉट हैपन, व्हेन यू गो इन द क्लास और बोलेंगे डोंट शाउट, जोर से बोलते हैं छोटे बच्चों को उनका डेसिबल और ही शुरू हो जाता है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे बात कर रहे हैं तो अगर आप देखें जब बच्चा घर जाता है ना, आप देखें प्राइमरी क्लासेस में जैसे टीचर लिखते हैं वैसे ही बच्चों की राइटिंग हो जाती है, दे विल राइट इन द सेम वे, ऑल्दो कर्सिव बुक राइटिंग्स हैं लेकिन फिर भी जैसे क्लास में टीचर ने डी बनाया वैसे ही डी बनाते हैं, मेरा डी भी आज तक वैसे ही बनता है, आई रिमेम्बर।